आज हम जा रहे हैं इंदौर के मछली बाजार में। हमने सुना यहाँ पर बहुत सस्ती मछली मिलती है, तो हम आ गए नगर निगम। यहाँ पर बहुत सारी शॉप पर बहुत ही अच्छी मछली मिलती है, तो हमने सोचा कि हम भी हमारे घर के लिए मछलियाँ लेने आए हैं तो यहीं से ले जाए। हमारे घर के पास में और भी शॉप है, बट हमने सोचा कि यहाँ से लेके जाते क्योंकि यहाँ पर सस्ती भी मछलियाँ मिलती है। तो हमको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिखाई दी, तो यहाँ पर हमको एक दुकान बहुत अच्छी लगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी, तो हमने सोचा कि यहीं से ले जाते हैं। तो यहाँ भैया के पास तो पैड भी थी, छोटा सा कुत्ता भी था, बहुत क्यूट लग रहा था। फिर हमको तो कुछ जानवर लेना नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम तो पहले फिश देख लेते हैं। भैया के पास सब वेराइटी थी, तो हमने सोचा कि यहीं से ही ले लेते हैं। तो ये वाली मछली हमको भैया ने 80 रुपये में बताई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा इसके पैसे लग रहे थे, तो मैंने बोला मुझे तो नहीं पसंद आ रही है। तो हमने सोचा कि हम दूसरी मछली देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं छोटी मछली भी है, बड़ी मछली है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी मछलियाँ भी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली भी अच्छी लग रही है मेरे को मछली, मैंने सोचा था ये वाली ले लूँगी मैं। और ये वाली मछली भी अच्छी है बट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई मुझे। ये भी अच्छी लग रही है मछली, मैंने बोला प्रियांशु तुझे कौन सी मछली लेना है, मुझे तो ये मछली ज़्यादा पसंद आ रही थी, बट इसका प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही था, 1000 था। तो मैंने सोचा अभी तो नहीं ले पाऊँगी मैं ये वाली मछली। प्रियांशु को बोला मैंने कि तू बता कौन सी मछली लेना है, तो वो भी मौली फिश लेने का बोल रहा था, तो उसको तो मौली फिश ही लेना है, उसको कोई और मछली नहीं लेना है। तो मैंने सोचा कि मैं ही सारी मछलियाँ देख लेती हूँ कि भैया के पास कौन सी वेराइटी है। भैया के पास बहुत सारी वेराइटी थी जो मुझे अच्छी भी लगी, वाइट फिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उनके पास ऑरेंज फिश भी थी। ये भी पेयर 80 रुपये का था, और ये छोटी छोटी सी मछलियाँ भी थी, इनको मौली फिश बोलते हैं, इनमें मेल फीमेल दोनों थे। ये वाली मछली प्रियांशु को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो हम ये वाली तो ले ही लेंगे। ये फिश बहुत पतली और जब देखने पे बहुत ही प्यारी लग रही है, इसका शेप बहुत अलग है। ये फिश भी बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा सा एंटीक है ये भी अच्छी है, बट हमको कुछ और लेना था बट हमको इतना पसंद नहीं आ रहा है भैया की शॉप पे। हाँ ये वाली भी अच्छी लग रही है, बहुत अलग अलग फिश है इनके यहाँ भी, बट भैया समय ने तो सुना था रेट कम है, पर भैया तो बोल रहे 150 रुपये में 2 फिश देंगे ये वाली। अच्छी लग रही है, न्यू फिश भी लाए हैं भैया। ये फिश तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही है मुझे, बहुत बड़ी भी है ये वाली फिश, इसका शेप बहुत अच्छा है और ये अकेले ही टैंक में रहती है। ये एकदम छोटी छोटी सी फिश है, ये फिश भी अच्छी है वाइट कलर की, ये देखने पे बहुत अच्छी लगी मुझे। ये फिश भी प्लेन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक है। भैया की शॉप पे बहुत सारी फिश ऑन है, अगर आप भी यहाँ से फिश लेना चाहते हो तो आ सकते हो। अच्छी है ये वाली फ़िश भी, इसमें भी बहुत कम फिश थी, 2-4 ही फिश थी। इस वाले टैंक में ज़्यादा फिश है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला टैंक भी देखने को। यहाँ पे बहुत सस्ती मछली मिलती है, हमने तो हमारी मौली फ़िश ले ली है और जो प्रियांशु को पसंद आई थी वो भी फ़िश ले ली है। अब हम चलते हैं घर की तरफ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ़िश बहुत अच्छी लगी, अब हम घर जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।